मैं पहले आप सबका खैर मकदम करता हूं कि आप हमारे नियुक्ति पे यहां तशरीफ लाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक मैनिफेस्टो रिलीज किया और जिसमें उन्होंने जो मैनिफेस्टो मूलतः देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का मैनिफेस्टो है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम जम्मू कश्मीर में आरक्षण जो है वो खत्म करेंगे। जो आरक्षण जम्मू कश्मीर में हमारे दलितों का है, गुजरों का है, पहाड़ियों का है, ओबीसी का है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम उसको खत्म कर देंगे सरकार में आने के बाद। और कांग्रेस जिसने उनके साथ हाथ मिलाया है और भागीदारी बनी है, जिसने हमेशा कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में की सियासत में सत्ता के लालच में लोगों के हित की कुर्बानी दी, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठजोड़ करके जम्मू कश्मीर में आरक्षण को खत्म करने जा रही है। और ये एक बहुत चिंता का विषय है। जम्मू कश्मीर के दलित, गुज्जर, पहाड़ी, ओबीसी को रिजर्वेशन जहां जॉब्स में है वहां पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी है, और दफा 370 और 35A के मिटने के बाद हर वर्ग को एम्पावर करने की तरफ इस आरक्षण को मजबूत किया गया भाजपा द्वारा। और आज कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अपने चुनावी हित के लिए और चुनावी लालच के लिए जम्मू कश्मीर के दलितों के साथ, जम्मू कश्मीर के गुज्जर भाइयों के साथ, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी भाइयों के साथ, जम्मू कश्मीर के ओबीसी भाइयों के साथ एक बहुत ही बेइंसाफी कर रही है, ये वादा करके कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। भाजपा ऐसा कभी नहीं होने देगी। जो आरक्षण हमारे दलित भाइयों को, हमारे गुज्जर भाइयों को, हमारे पहाड़ी भाइयों को, हमारे ओबीसी भाइयों को मिला है सियासी और जॉब्स में, उसको कायम रखेगी। और बाबा साहब अंबेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत की, उसको और मजबूत करेगी, जैसे दफा 370 और 35A को मिटाकर एक देश, एक निशान, एक विधान, एक संविधान, जो कि बाबा साहब अंबेडकर का ख्वाब था, उसको पूरा किया। इसके अलावा कांग्रेस को यह जवाब देना पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि शंकराचार्य की जो पहाड़ है वो एक हमारी आस्था का स्थान है। उन्होंने कहा है कि इसे तख्त सुलेमान का नाम दिया जाएगा। हरि पर्वत के उस पर्वत का नाम बदलकर कोहे मरान किया जाएगा। शंकराचार्य हम सब की आस्था का स्थान है, हरि पर्वत हमारी आस्था का स्थान है। हम ऐसी किसी ताकत को हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे, और कांग्रेस इसमें भागीदारी बन रही है, ये बड़े ही अफसोस की बात है। कांग्रेस ने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाकर जम्मू और जम्मू के विभिन्न इलाकों के साथ भेदभाव किया है। भाजपा हमेशा उस भेदभाव के खिलाफ लड़ा,
और भाजपा जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होने देगा, ये हमारा वचनबद्ध इरादा है। जहां तक जम्मू कश्मीर के दलितों का, गुजरों का, पहाड़ियों का और ओबीसी के आरक्षण का सवाल है, ये सब इकट्ठे हो जाएं नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस। कांग्रेस अपने अपने जाति सियासी मकसद पे के लिए इनके साथ खिलवाड़ नहीं करेगी जब तक बीजेपी कायम है। बीजेपी उनके आरक्षण की पूरी रक्षा करेगी और कांग्रेस के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस घिनौने प्लान को कामयाब नहीं होने देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज कम आउट विद अ मैनिफेस्टो विच सेज दैट इट विल रिमूव द remove slash review the reservation for the scheduled caste, Gujjars, Pahadis and the OBCs, whether it is the political reservation or it is the reservation in the jobs as guaranteed by the Constitution of India. And the Congress has joined National Conference in its dubious design of removing the reservation from and depriving the scheduled castes and scheduled tribes and the OBCs of Jammu and Kashmir. Congress has always played with the destiny of the people of Jammu and Kashmir in their greed for power.